यस मैं सर्वाइव करने वाला हूँ इसी वन ब्लॉक के ऊपर। तो लोग तुम लोग सोचोगे मैं एक ब्लॉक पे खड़ा खड़ा कैसे सर्वाइव करूँगा। तो हमें इस ब्लॉक को तोड़ना रहता है जिसमें हमें मिलता है सामान, और ये मेरा फेज वन स्टार्ट हो गया। अच्छा तो हम इस वजह तब ब्लॉक सोएंगे उतना ही हमें आइटम्स मिलते जाएंगे। और मुझे पहला चेस्ट मिल चुका था अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसमें हमें से फूड का सामान मिलता है, यानी कि फूड की कमी हमें इस वर्ल्ड में नहीं होने वाली है। बोलो मेरे साथ। अरे बाबा मेरा मतलब था सुनो, मतलब मेरी बात सुनो और कुछ नहीं। और फिर मैं जल्दी से आइलैंड कॉर्ड एक्सप्लेन करता हूँ जैसे कि जितना भी खाना स्पॉन हो तो गिर ना जाए। आई मीन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कुछ 2 घंटे 40 मिनट 50 मिनट बाद मैं आइलैंड को वापस एक्सप्लेन करता हूँ। और ये कुछ ऐसा दिखता है जो कि ठीक लग रहा था, खराब भी नहीं था। उसके बाद मैं रात को माइनिंग करता हूँ, रात भर करता हूँ, बारिश आ जाती है लेकिन मैं फिर भी माइनिंग करता हूँ। रात भर मैं माइनिंग करता रहता हूँ और इस वर्ल्ड में अपना पहला दोस्त फोन हो जाता है जिस देख के मेरे मुँह से पानी आ रहा था। वैसे वो मेरे ऊपर देख रहा था, उसको पता चल गया था कि मैं उसे मार के खाने वाला हूँ। मैं कुछ चेस्ट में अपना सारा आइटम वगैरह डाल देता हूँ जिससे कि मैं अगर नीचे गिर जाऊँ तो मेरा सारा आइटम जाए ना। ऐसे मैं गिरने ही वाला हूँ, मुझे पता है। पता है मेरे पास एक चेस्ट आती है जिसमें मुझे मिलता है वाटर बकेट, यानी कि ऑर्गेनाइज वुड और पानी का सोर्स हो चुका था। और मैं दूसरा फेज भी स्टार्ट हो चुका था, मैं स्टोन मिलने वाला था। तो मैं वाटर बकेट की मदद से जल्दी से अपने वन ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक लगाता हूँ जिससे कि जो ग्रेविटी ब्लॉक्स होते हैं उन्हें भी मैं कलेक्ट कर सकूँ। और जल्दी से मैं वापस स्टोन माइन करने लगता हूँ और फिर कुछ कोल माइन करके मैं अपने एरिया को थोड़ा सा लाइटअप कर देता हूँ कि यहाँ पर कोई मॉब स्पॉन ना हो। और मुझे अपना पहला आयरन मिल जाता है। आयरन को माइन करके फिर मैं बहुत ही ज़्यादा देर तक माइनिंग करता हूँ। और फिर मैं कुछ फर्नेस बना के अपने सारे आयरन को उसमें स्मेल्ट के लिए लगा देता हूँ और फिर से माइनिंग करने ही लग जाता था। यस और माइनिंग करते करते एक और चेस्ट मिलती है जिसमें मुझे ग्रास ब्लॉक मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। ग्रास ब्लॉक की ज़रूरत भी होती रहती है। और फिर माइनिंग करते करते अपना दूसरा मॉब भी यहाँ पर स्पॉन हो जाता है जो कि था एक और शीप। फिर मैं जल्दी से थोड़ा एक एरिया बनाने लगता हूँ जहाँ पर मैं अपने इन शीप को रख सकूँ। और थोड़ी देर तक के बाद तो नहीं, जैसे 1-2 घंटे ही, ज़्यादा नहीं। और मैं एरिया बना लेता हूँ कुछ ऐसा था लेकिन बीच पर पड़ने का काम बाकी था। और फिर मैं अपना ट्री बड़ा हो चुका था तो मैं ट्री तोड़ने लग जाता हूँ और मुझे अपने आराम से मिल जाती है। और उसके बाद मैं वही रोज़मर्रा की काम अपने एरिया को फिलअप करने लगता हूँ और ये भी काम हो जाता है, ज़्यादा नहीं, बस 2 घंटों में। और फिर मैं वापस से इस एरिया को भी बड़ा करने लगता ताकि अपना शिप जो है वो गिर ना जाए। और फिर मैं कुछ लीव्स तोड़ता हूँ जिससे कि मुझे 2 सैपलिंग मिल जाती है। और फिर मैं यहाँ पर कुछ सीड्स प्लांट करता हूँ जिससे मैं खाने की कमी ना रहे। और फिर मैं माइनिंग करता हूँ। यस चार काम था ही नहीं और मुझे एक सुपर चेस्ट मिलती है जिससे मुझे अपना पहला डायमंड मिलता है। और फिर मैं कुछ फेंस क्राफ्ट करता हूँ और जाके जल्दी से यहाँ पे लगा देता हूँ। और ये लग गया था, अब मैं अपने शीप को कुछ बोन मील में के वीट ग्रो करता हूँ और अपने दोनों शीप सॉरी तीनों शीप को लेकर यहाँ पे आता हूँ और ब्रीड कर देता हूँ। तो अब अपने वुल की और खाने की भी नहीं होने वाली थी क्योंकि अपने पास, और तभी मुझे रेयर चेस्ट मिलता है जिसमें से बहुत ही अच्छा आइटम मिलता है मुझे, लाइक इतना अच्छा आइटम यार। फिर मैं एक और शिप स्पॉन होती है, फिर से एक काउ भी स्पॉन हो जाती है और मैं उन पर ध्यान नहीं देता, बस माइनिंग करता रहता हूँ और अपना एक और फेज स्टार्ट हो जाता है केव्स का। और फिर माइनिंग करते करते अपना पहला ज़ॉम्बी स्पॉन होता है जिसकी वो भाई पता नहीं मैं उसे मार रहा था या वो मुझे मार रहा था, वो भाई मेरा हाफ हार्ट खा जाता है। उसके बाद शाम हो जाती है और शाम को एक सिल्वर फिश स्पॉन होती है और जिसकी मैं हिट ही नहीं कर पा रहा था, लिटरली कुछ वहाँ पे ग्लिच हो गया था जिसकी वजह से मैं उसे हिट नहीं कर पा रहा था और मैं नीचे गिर जाता हूँ। लिटरली यार एक सिल्वर फिश ने मार दिया मुझे लगे को। उसके बाद मैं उस सिल्वर फिश को बहुत ही तरपा के मारता हूँ और वो मर जाती है, लेकिन मैं उससे मर कैसे गया। उसके बाद फिर मैं कुछ वुड तोड़ के कुछ टूल्स बना के वापस से माइनिंग करने लग गया था क्योंकि सारा सामान तो चला गया था। और यहाँ पे एक गोल्डन आर्मर पहना हुआ स्केलेटन स्पॉन होता है, पता नहीं क्यों मैं सोचा था मेरे पास शील्ड है जबकि मेरी शील्ड गिर चुकी थी और मेरा पता नहीं कौन से नशे में था मैं। फिर मैं उस स्केलेटन को नीचे गिरा देता हूँ और फिर से मेरा सारा आइटम्स जा चुके थे। तो मेरे पास ट्रीज भी ग्रो नहीं थे, वुड नहीं था, तो मैं वेट करता हूँ ट्री ग्रो होने का। और इधर सुबह हो चुकी थी लेकिन ट्री ग्रो नहीं हुआ था और फाइनली एक ट्री ग्रो हो जाता है
तो मैं उससे वुड तोड़ के जल्दी से कुछ क्राफ्ट कर लेता हूँ चीज़ें, और फिर से माइनिंग ही करता हूँ। यस, और ये ऊपर से मेरी खुशी देख ही नहीं जा रही थी तो वो और आ जाता है। फिर मैं वापस जल्दी से वापस से चेस्ट बना के उसमें सारे सामान रख देता हूँ और एरिया को फिक्स करने लग जाता हूँ। और मेरे दोनों जानवर मर चुके थे और एक और क्रीपर आ जाता है। लिटरली यार, क्रीपर से मैं क्या ही कर सकता हूँ बताऊँ। फिर मैं जल्दी से एक एरिया बिल्ड करने लगता हूँ। पता नहीं किस लिए कर रहा था मैं, मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ काम के लिए तो मैं एक एरिया बिल्ड कर रहा था। हाँ, तो ये था ट्री ट्री उगाने के लिए। और लेकिन यहाँ पर ट्री के जगह मॉब्स आ रहे थे, तो जैसे भागता हूँ और भेड़ों के बीच जाकर छुप जाता हूँ ताकि वो मॉब मुझे भी भेड़ समझे और मुझे मारे ना। लेकिन वो मेरे भेड़ों को मारने लगता है और मेरी एक भेड़ शहीद भी जाती है। उसके बाद मैं जल्दी से और डर्ट से कंप्लीट करने लगता हूँ, लेकिन मेरे पास डर्ट ख़त्म हो जाता है तो मैं जितना एरिया होता हूँ उन्हीं में ट्री सैपलिंग को प्लांट कर देता हूँ। उसके बाद मैं मेरे पास देखता हूँ, मेरे यहाँ 3 चिकन स्पॉन हो गए थे, यानी कि बहुत सारा खाना था अपने पास, चिंता की ज़रूरत नहीं। और फिर मैं एक डायमंड का ओड़ा था जिसमें माइन कर लेता हूँ आयरन की केस बना के, और फिर से माइनिंग करने लगता हूँ। और यहाँ पे मुझे लावा बकेट भी मिल जाता है, यानी कि हम कॉबल स्टोन जनरेटर बना सकते हैं। फिर वही रोज़मर्रा की काम है, मैंने ट्री तोड़े, सैपलिंग प्लांट किए, माइनिंग की, और कुछ करने को था ही नहीं। और अपना चौथा बायोम भी आ चुका था, बैडन लैंड्स का, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। बैडन लैंड्स में हमें सैंड वगैरह मिल सकता है, लेकिन पहले मैंने डर्ट को हटा के यहाँ पे स्लैब्स पेस्ट किए। और यहाँ पे पहला अपना गधा भी आ चुका था, जिसका नामकरण हम लोग बाद में करेंगे। तो मैंने सुसाइड करता हूँ, वापस माइनिंग करता हूँ, और करते करते एक अचानक से एक हस्क आ जाता है। और फिर पता नहीं क्यों मैं फिर से सोचा था मेरे पास शील्ड है, और यस मैं फिर से गिर जाता हूँ। पता नहीं क्यों मैं बार बार मर ही रहा था। और फिर से मैं माइनिंग करने लग जाता हूँ, और माइनिंग करते करते रात हो जाती है और सुबह भी हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी माइनिंग करता रहूँ। मैं पूरे रात भर माइनिंग करता हूँ, और ये गधे को पता नहीं क्या दिक्कत थी। और तभी अपना पहला विलेजर यहाँ पे स्पॉन होता है, आई मीन पहला नहीं दूसरा, पहला बड़ा छोटू, और छोटू इधर आ दो चाय लगा। और तभी अपना पाँचवा फेज स्टार्ट होता है, जो कि द स्वैम्प का, यानी कि अब हमें डर्ट मिलेगी, क्योंकि स्वैम्प बाय में डर्ट मिलती ही हैं, तो अब हम अपना ट्री फार्म को कम्प्लीट कर सकते थे। तो मैं जल्द से कुछ डर्ट माइन करके यहाँ पे लगाने के लिए ले आता हूँ, लेकिन वो डर्ट भी कम पड़ जाती है। यस, तो मैं और माइन करके लेके आता हूँ और वापस से लगा देता हूँ। और फिर मैं वही काम करता हूँ माइनिंग। और फिर मैं यहाँ इस एरिया को थोड़ा सा अच्छा बनाने की सोचता हूँ, तो मैं यहाँ से कुछ स्लैब हटा के सोचता हूँ यहाँ पे डर्ट लगाने का। लेकिन और फिर मैं कुछ ऐसा से जगह बनाता हूँ जो कि इतना अच्छा तो नहीं, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं लग रहा था। और फिर अपना एक और विलेजर स्पॉन हो जाता है, जो कि था फार्मर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, वो हमें खाने की चीज़ें दे सकता है। और इस काऊ को पता नहीं क्या ही दिक्कत थी। फिर मैं और माइंड करता हूँ, और अपने पास आती है एक मशरूम काऊ, और जल्द से कुछ बाउल बना के उससे मशरूम स्ट्यू ले लेता हूँ, मिल्क स्ट्यू, और फिर मैं उसे खा लेता हूँ, यानी कि अब मेरा फूड का अनलिमिटेड सोर्स था। तो मैं जल्द से फेंस लगाता हूँ यहाँ पे ताकि मैं नीचे ना गिर जाऊँ। यस, मैं ही गिर जाता हूँ उससे नीचे। फिर मैं एक एरिया बिल्ड करता हूँ अपने फार्म के लिए, ताकि मैं अपना फार्म बना सकूँ और फूड का। तो जल्द से वो बिल्ड करते हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और फिर मैं उसमें डर्ट प्लेस करने लगता हूँ, लेकिन डर्ट मेरे पास खत्म हो जाता है। यस, तो मैं डर्ट माइनिंग करने लगता हूँ, और मेरे साथ गंदा वाला स्कैम हो जाता है। हमारा नया बायोम स्टार्ट हो जाता है, जो कि था डीप वाटर स्कॉर्च, में हमें डर्ट नहीं मिलने वाली थी, लेकिन फिर भी मैं माइनिंग करता ही रहता हूँ और कुछ डर्ट मिल जाए, लेकिन नहीं मिलती है। तो मैं बची कुछ डर्ट ले जाके वहाँ पे फार्म में प्लेस कर देता हूँ, और कुछ कर भी तो नहीं सकता था। और प्लेस करने के बाद फिर मैं कुछ छपड़ी वाली हरकतें करता हूँ और वापस से मर जाता हूँ। यस, पता नहीं कब तक मरूँगा मैं, सबसे बड़ा नूम है। उसके बाद मैं पानी डालने लगता हूँ, और पानी भी गलत थी, डर रहा है मुझसे, हद है मतलब यार, मैं खेली क्यों रहा हूँ। उसके बाद मैं कुछ सीड्स प्लांट कर देता हूँ, और बस कैरेट प्लांट करके फिर सीड भी लगा देता हूँ, और फिर बाकी एरिया को भी हो कर देता हूँ। लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं प्लांट करने को, तो चलते हो भाई।